जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का DN न्यूज़ में। दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसके वजह से महिलाओं को RTO अधिकारी ने ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए मना कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो बिल्कुल भी फेक नहीं है। तो दोस्तों, आपको करना क्या, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आप बीच में स्टॉप करते तो आप पूरी जानकारी खो देंगे। सबसे पहले कमेंट करके ये बताएं, अभी आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी शहर से देख रहे हैं, कौन सी ग्रामीण से देख रहे हैं, नीचे आप कमेंट में लिख दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, सारी जगह पे जरूर शेयर करें। दोस्तों, ये वीडियो को आप जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर दे और साथ में सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और आपको बताते हैं। चेन्नई के रहने वाली एक महिला का कहना है कि RTO अधिकारी ने कहा था कि खटीर तौर पर उस पर कहा के वजह से ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए ढंग के कपड़े पहनकर आए। सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले महिला का कहना है कि जब वहां ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के RTO दफ्तर पर पहुंचेंगे तो उसे जीन्स स्लीवास टॉप पहनना था। महिलाओं ने बताया कि वहां ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट करने के लिए कैके नगर के दफ्तर गए थे। अधिकारी ने कथित तौर पर उस पर वहाँ घर जाओ और ढंग के कपड़े पहनकर आओ। RTO अधिकारी ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करवाने के लिए दफ्तर एक सरकारी कार्यालय है और इसमें क्या गलत है अगर वहां आने वाले लोगों को ढंग के कपड़े पहनने के लिए कहा जाएगा, जैसे पहनकर आप अपने दफ्तर पर जाते हैं। अधिकारी ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों के विभिन्न प्रकार के लोग परिवहन वर्ग में आते हैं और इसी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। कैसेटरी परिवहन कार्यालय ने एक अधिकारी ने कहा कि कार्यालय लाइसेंस के लिए आवेदन कराने वाले आवेदक के लिए निश्चित रूप में कोई ड्रेस खुद नहीं है, लेकिन परसों और महिलाओं को ढंग के कपड़े पहनकर आना चाहिए। इससे पहले एक और महिला कानपुर के स्टार्ट कार ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए पहुंची थी, जिसे RTO ने वापस भेज दिया गया था। उसे कहा गया कि घर जाओ और ढंग के कपड़े पहनकर आओ। महिला घर गई और सलवार सूट पहनकर वापस आई। उसके बाद ही महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के अनुमति दिए गए। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते किसी और वीडियो पे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।